यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी, सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। लगे रहिए, ताज आपके नाम है, बस सफलता आनी बाकी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज जो हमें करना है। हमें क्या करना है, हम अपने नेक्स्ट 10 जो भी लास्ट ईयरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ। मैं सभी के सॉल्यूशन विद डेफिनेशन आपको क्लियर करूंगा। तो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2016 में क्वेश्चन में पूछा गया था, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब कैसी होती है, ये वाला रे डायग्राम आप लोगों ने बनाया होगा जिसमें से ग्लास स्लैब कहा गया था। एंड मार्क द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द लेटरल शिफ्ट। आपको दो चीज़ें दिखानी है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जरूर दिखाना है और आपको वो जरूर दिखाना है, ठीक है, रे ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द ग्लास स्लैब। तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिखाया गया है, आपको बुक्स में मिल जाएगा। तो लाइट ऐसे आई थी, यहाँ जहाँ टकराई वहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बन गया, नॉर्मल बना दिया, वहाँ से बाद वो बेंड हो गई, बेंड होने के बाद जहाँ से निकलने वाली थी वहाँ फिर एक नॉर्मल बना देते हैं हम लोग और फिर ऐसे बाहर निकाल देते हैं। तो ये एंगल एंगल आई कहलाया जाता है, ये एंगल आर कहलाया जाता है, ये एंगल एवर्जेंट एंगल कहलाया जाता है आपका। और यहाँ इस अगर ये लाइन सीधी बिना डाइवर्ट के निकलती तो ये डॉटेड लाइन में ये आती और इस बीच की जो डिस्टेंस है उसे लेटरल डिस्टेंस या लेटरल शिफ्ट का नाम से दिया गया है। तो आई होप क्लियर है बच्चों, आर आपको क्लियर है, ई आपको क्लियर है, आई आपको क्लियर है। बाकी आप एक बार बुक से अच्छे डायग्राम को देख लीजिए, वहाँ से सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो नीचे इसने ट्रायंगल के फॉर्मेट में दे दिया है लिख के बस। तो आप लोग रे डायग्राम बनाओगे क्योंकि उसने ड्रॉ द रे डायग्राम लिखा हुआ है। ओके, बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट को लेकर। सेकंड पार्ट में कह रहा है, इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द एयर टू ग्लास, मतलब एयर से गई और ग्लास में है, तो उसे कैसे लिख सकते हैं, म्यू ए जी, मतलब एयर से गई है किसमें, अब ग्लास में। और इसे ऐसे कैसे लिखेंगे, मतलब आपने देखा होगा कई बार बुक्स में शायद एन वन टू करके भी हो, बुक में एन कर वन टू करके भी हो, काफ़ी बुक्स में वन टू से भी रख देते हैं, हर किसी ने अपना एक मेथड जनरेट किया हुआ है। तो जो हम यूज़ कर लेते हैं वो म्यू वाला यूज़ कर लेते हैं, म्यू ए जी, मतलब ए से जी में है। तो एन वन टू को आप टू वन लिखते थे, याद है आप लोगों को, तो इसका मतलब था वन से आई किस में, अब टू में, तो टू जिसमें है वो ऊपर रहता है, जिससे आई है वो नीचे रहता है, तो इसे भी हम म्यू जी बाय ए भी कर सकते हैं, म्यू ए, और जिसको हम लिख सकते हैं थ्री बाय टू। तो आपको गिवन क्वांटिटी समझ में आ गई होगी। अब कह रहा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास टू एयर। अब ग्लास टू एयर चाहिए उसे, मतलब उसे चाहिए म्यू जी टू ए, ग्लास से एयर, जिसे आप कह सकते हैं म्यू ए म्यू जी। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आपकी बुक्स में आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप एन वन टू भी कह सकते थे, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, गिवन क्वांटिटी आपको क्लियर हो चुकी है। गिवन क्वांटिटी क्या है, गिवन क्वांटिटी है आपकी यहाँ पर ग्लास टू एयर, जिसे लिख सकता हूँ मैं म्यू ए जी, ठीक है, और जो लिखी जाएगी थ्री बाय टू। अब इसका जो अपोजिट है उसका एक फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, आप लोगों को इतना बड़ा मेथड नहीं लगाना, ये वाला आप लगा सकते हैं कि म्यू ए जी का मल्टीप्लिकेशन म्यू जी ए से किसके इक्वल होता है, वन के। और यहाँ से हम क्या बनाते हैं, जैसे कि हमें म्यू जी ए चाहिए तो हम इसको यहाँ रोकेंगे, म्यू जी ए इक्वल टू कर देंगे वन बाय म्यू ए जी, फॉर्मूला बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये बच्चों को डायरेक्ट भी याद कराया जाता है कि एन वन टू इक्वल टू एन टू वन। तो देख लीजिए आपको किस फॉर्मेट में करना है, तो ये क्वेश्चन उस वाले फॉर्मेट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए था, इसमें बड़ा क्लियर था, मैंने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। तो आगे के क्वेश्चन में क्या कहता है, ये आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था, एक कनकेव लेंस मेड ऑफ द मटीरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन, मतलब एक कनकेव लेंस है, ये रहा मेरा कनकेव लेंस, ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बना हुआ है जिसे मैंने एन वन कह दिया है। ओके, बात करता है इस कैप्ड इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू, मतलब यहाँ चारों तरफ एयर है, इस वाले मीडियम में रख दिया जिसे मैंने एन टू कहा है। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन लेंस, मतलब एक पैरेलल लाइन आ रही है टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ये जो आ रही है, तो इसका क्या होगा ये वो पूछना चाहता है। दो केस में, पहला केस है जब एन इज ग्रेटर देन एन वन, मतलब तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका कम है। और दूसरा वो पूछना चाहता है
मान लो किसी कारणवश ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हो गया, तो इस रे ऑफ लाइट को क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब N1 ग्रेटर देन N2 होगा, तो जब दूसरा वाला कम हो, मतलब ये वाला एयर का कम है और इसका ज़्यादा है, तो लाइट बेंड हो जाएगी। कहाँ बेंड हो जाएगी? ऊपर चली जाती है। आपको पता है पैरेलल लाइंस हमेशा इसमें कहाँ जाती है? ऊपर। तो मैं ऊपर ले जाऊँगा, आई होप क्लियर है आप लोगों को। और मैं कह दूंगा नॉर्मल टूवर्ड द नॉर्मल, ये बेंड हो गई है। बात करता हूँ, जब n इक्वल टू क्लियर होगा तो ये सीधी निकल जाएगी। दोनों डायग्राम को देख लीजिए, क्वेश्चन में पूरा दिखाया हुआ है। तो पहला ये है n1 ग्रेटर देन टू n2, इसने बना दिया, ये पैरेलल लाइन को लेकर आया, यहाँ से ये ऊपर चली गई है। इसमें ये नॉर्मल बना दिए आप लोगों के लिए 2f से, तो आपको और ज़्यादा क्लियर करा दे वो। ओके, अब बात करते हैं इसके सेकेंड वर्जन की, n इक्वल टू n2। तो n इक्वल टू n2 पे देख लीजिए, सीधी लाइन को निकाल के ले गया है। तो आई होप आपको पास अगर ये क्वेश्चन आता है आप लोग कर पाएंगे। अब बात करता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द लेंस इज ऑफ द मैग्निफिकेशन इज -1, मतलब m हमें -1 गिवन है। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज कितनी है? 60 डिग्री। मतलब वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो दे रहा है, कौन सी दे रहा है? ऑब्जेक्ट की और इमेज की, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो है 60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस 60 को मैं किस कैटेगरी में रखूँ? अभी रुकता हूँ, थोड़ा आगे पढ़ लेता हूँ, अभी मुझे क्लियर नहीं, बात समझ में आ रही है। वट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस? लेंस की एफ निकालना है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला लेंस का आपको आना चाहिए। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टूवर्ड द लेंस, उसे 20 सेंटीमीटर उसने बढ़ा दिया है लेंस की तरफ। जैसे कि लेंस कौन सा होगा? ये वाला लेंस था, वहाँ पर मुझे क्लियर हो चुका है। और 20 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है, पहले जितना भी था अब यहाँ 20 पे आ गया है। और कह रहा है वेयर वुड बी द इमेज फॉर्म, इमेज कहाँ बन रही होगी? ठीक है, स्टेट द रीजन एंड आल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। तो देख लेते हैं अब कैसे करना है क्वेश्चन। देखिए m इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है v बाय u लेंस के लिए। तो कह रहा है m माइनस आपका कितना है? -1। तो -1 को जब रखेंगे तो v बाय u रखेंगे, तो v बाय u करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा v माइनस u है। ठीक है, और एक तरफ वो कह रहा है v प्लस u इक्वल टू 60। तो आपके पास एक इक्वेशन दे रहा है 60 के लिए, v प्लस u 60 है। अगर v की जगह u रख दोगे तो यहाँ पर आपका जो ये v u प्लस में हो जाएगा। और इस ये तो माइनस, तो देखो सिंबल उस चीज़ का है कि वो नेचर को दिखाना चाह रहा है। बट यहाँ अगर v u के इक्वल है तो जैसे ही रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2u इक्वल टू 60, u इक्वल टू 30। और माइनस आएगा नेचर का कि वो कैसी है, लेफ्ट साइड है राइट साइड है जहाँ पर भी। तो आई होप आपको v u क्लियर हो गए अब इस क्वेश्चन में। अब आपको v क्लियर हो गया, 30 है, u क्लियर हो गया आपका -30 है। तो लेंस फार्मूला 1/v -1/u अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, ये जरूर लिखना है आपको। तो 1/f का कैलकुलेशन निकाल के आपने लिख दोगे 15 सेंटीमीटर। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, वो 1/f का फार्मूला निकालते रहते हैं, 1/30 आया हुआ है, और उसे f को जब करते हैं, सॉरी आपका सब्ट्रैक्शन करके 15 आएगा, तब उसे 15 किया जाता है। ये बच्चे क्या गलती करते हैं, इसे 1/f ना लिख के स्टार्टिंग में 1/f लिखेंगे, फिर f लिखेंगे, लास्ट में रिजल्ट छोड़ देंगे ये। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में बच्चों से देखी है, बच्चों के नोटपैड में देखी है। तो आई होप आप लोग इस मिस्टेक से बचोगे और आने वाले पेपर्स को कर पाओगे। मैग्नीफिकेशन का बेनिफिट आप समझ पाए होंगे, मैग्नीफिकेशन एक रिलेशन बना सकता है h और h' का, हाइट्स का, और v और u का। तो यहाँ तक क्लियर है, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी चैप्टर में से। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर बाय मेयरलिंग लुकिंग एट इमेज फॉर्म बाय ईच अदर। मतलब कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया है, ठीक है, अब यहाँ पर तीनों लेंस मिरर है, एक बार प्लेन मिरर भी रख लिया, एक बार कनकेव भी रख दिया, और एक बार कन्वेक्स भी रख दिया। तो मैं कैसे पहचानूं? देखिए प्लेन मिरर की बहुत अच्छी बात है, वो जितना ऑब्जेक्ट होता है उतना ऑब्जेक्ट दिखाता है, जितनी बीच की डिस्टेंस होती है उतना ही दिखाता है। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ से लेफ्ट उठाएंगे तो ऑब्जेक्ट ऐसा लग रहा होगा राइट उठा रहा है, मतलब इमेज जो है प्लेन मिरर की वैसे लगेगी आपको लेफ्ट उठा रही है। तो इसका क्या है कि एक तो ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका? वर्चुअल होगा। दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा आपका लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि आपने लेफ्ट उठाया यहाँ से, उसने राइट दिखा दिया आपको,
तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ऐसी इसकी प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये रियल बनाएगा, उल्टी बनाएगा, ठीक है। अब ऐसी इसकी है, ये वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा, एकदम सीधी बनाएगा। दूसरी बात, ये लार्जर बनाएगा, ये स्मॉलर बनाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए क्या वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर्स, ठीक है। सारा कुछ वही लिखा है, इन्वर्टेड होगा, प्लेन मिरर होगा, यहाँ स्मॉलर होगा साइज में, इरेक्ट होगा सीधा, किसके लिए, ये कन वैक्स के लिए लिखा है, यहाँ कनकेव के लिए लिखा है लास्ट लाइन में। तो आई होप आप लोग क्लियर हैं सभी चीज़ों से, तो ये कोई बड़ी बातें चीज़ें नहीं है। ओहो ये क्या लिख दिया इसने, अच्छा इसने यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखा है, कनकेव तो सीधी भी बनाएगा और आपकी उल्टी भी बनाएगा, इन्वर्टेड भी करेगा, इरेक्ट भी करेगा। क्यों, अगर वो रहेगा कनकेव में, अगर वो पाँच केस में किसी में रहेगा तो इन्वर्टेड बना रहा होगा, ठीक है। अगर वो सिक्स्थ केस पे खड़ा होगा तो सिक्स्थ केस की इमेज बनती है पीछे, जो कैसी बनेगी, इरेक्ट। तो कह रहा है कनकेव तो दोनों बनाएगा, इन्वर्टेड भी और इरेक्ट भी, बट कन्वेक्स कितने पास आओगे उतनी ही इरेक्ट बनाएगा और उतनी ही छोटी बनाएगा, इसलिए कन्वेक्स का क्लियर हो जाएगा, कनकेव का क्लियर हो जाएगा, प्लेन मिरर का क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन, नेम ऑफ द टाइप ऑफ द मिरर यूज टू सोलर फर्नेस, हाउ हाई टेम्परेचर बी अचीव बाय डिवाइस। मतलब सोलर क्या होता है कि ये जो कन्वेक्स है ऐसे लगाकर सूरज की तरफ छोड़ दिया जाता है। तो देखिए इसमें क्या फ़ायदा होता है, सूरज से जो लाइट्स आती है वो सभी पैरेलल लाइट्स होती है, पैरेलल लाइट्स होती हैं। और इसका बेनिफिट क्या है, इस पर जितनी भी पैरेलल लाइट्स गिरेंगी वो सभी को क्या करेगा, आपका फोकस पे मर्ज कर देता है, सभी को किस पे भेज देगा, फोकस पे। तो यहाँ फोकस पे सभी लाइट्स की रेज आएंगी। आप देखिए जहाँ धूप ज़्यादा आएगी वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा, या जहाँ धूप नहीं आएगी वहाँ, तो आप कहेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा धूप आएगी, तो यहाँ वो सिस्टम का हाई टेम्परेचर कर देता है। इसलिए इसे सोलर फर्नेस, मतलब सोलर कुकर की तरह, मतलब सूरज की ऊर्जा से हम खाना वगैरह को भी पका लेते हैं, इस प्रॉपर्टी से कि पैरेलल लाइंस को इसमें मिलाएगा फोकस पे। इसी की प्रॉपर्टी से इसके काफ़ी यूजेस हैं, यूजेस की वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, आपके लिए अपलोड करूँगा, तो वो आप लोग वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, यहाँ जिसने लिख दिया है वही चीज़ सॉल्व फर्नेस होगा। आप रे डायग्राम बना देना इन्फिनिटी वाला, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा, इन्फिनिटी वाला ये वाला रे डायग्राम बना देना आप, ठीक है, तो वहीं से आंसर समझ में आ जाएगा उसके, कुछ ज़रूरी नहीं है आपको ये क्या लिख रहा है उसको याद करने के। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द स्फेरिकल मिरर इज -3, मतलब m आपका आ गया -3, ओके, v बाय u इसका मतलब -3, ओके। लिस्ट द 4 इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेटमेंट, और 2016 में ये पूछा गया है अबाउट द मिरर इमेज, मिरर इमेज के बारे में। तो मुझे बहुत सी चीज़ें क्लियर हैं, एक तो यहीं से क्लियर होगी, v इजकल टू -3 ऑफ u, मतलब जो भी डिस्टेंस होगी v की वो 3 टाइम्स होगी किसके, u के। अगर u 10 है तो v 30 बनेगा, है ना। तो देख लेते हैं आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है, और ये मिरर है, मिरर इमेज है, तो इससे और भी चीज़ें क्लियर हो गई कि क्या बनाएगा, रियल बनाए, वहाँ सॉरी माइनस से समझ में आया मुझे क्या बनाएगा, रियल। नेगेटिव साइन यहाँ पर रियल को दिखा रहा है, और जो चीज़ रियल होती है वो इन्वर्टेड भी होती है, तो इन्वर्टेड भी समझ में आ रहा है, ठीक है। मैग्नीफाइड इमेज होगी, मैग्नीफाइड इमेज कहाँ से समझ में आई सर, एच डैश अपॉन एच इजकल टू -3 रखूंगा, एच डैश अपॉन एच का फॉर्मूला एम के इक्वल होता है, तो एम की वैल्यू -3 रखने पर एच डैश अपॉन एच -3 हो गया, तो एच डैश कितना हो जाएगा -3 एच। तो इसका मतलब एच डैश इमेज की हाइट है, एच ऑब्जेक्ट की हाइट है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 10 होगी तो किससे मल्टीप्लाई करेगी, 3 से, तो ये कितनी बढ़ा देगी, 30। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि मैग्नीफाइड इमेज होगी होगी, ओके मैग्नीफाइड इमेज होगी। और मिरर कौन सा होगा, मैग्नीफाइड इमेज बनाता ही कनकेव मिरर है, ठीक है, कन्वेक्स नहीं बनाता, कन्वेक्स सभी छोटी मिरर बनाता है। अगर आप बेनिफिट्स या यूजेस में देखेंगे वीडियोज़ में तो आपको पता चल जाएगा, यूजेस की वीडियो मैं जल्द ही डालूंगा। अब बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, ये 2012 में आया था। टू लेंसेज हैव पावर ऑफ पॉजिटिव डी और -D, मीन्स पावर है उनके पास -2D और +2D। तो माइनस से समझ में आता है ये कौन सा लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा और ये कौन सा लेंस होगा। तो माइनस से समझ में आता है जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव होती है बच्चों, अगर आप भूल जाते हो तो बात अलग है, नहीं तो आप भूलते तो आप क्या करें कि ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में एफ इधर आता है। साइन कन्वेंशन की वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप साइन कन्वेंशन की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर रहेगा कि एफ किसका नेगेटिव किसका पॉजिटिव। इसका एफ इधर आता है, नेगेटिव होगा, तो ये तो हो गया आपका कौन सा लेंस, आपका कनकेव लेंस। अब आप कह रहे होंगे सर यहाँ तो कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर बनाया आपने,
फोकल लेंथ दोनों की सेम होती है, लेंस हो या मिरर हो, ठीक है। अब पॉजिटिव वाला कौन सा हो जाएगा आपका, कन्वेक्स, ठीक है। देख लेते हैं आगे क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस, मतलब दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी। तो फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूले वगैरह की वीडियो सभी मैंने डाली है। तो 1/f आपको p दे रखा है, f चाहिए तो कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू 1/p, p एक बार माइनस 2 डालिए, ठीक है, तो 0.5 आ जाएगा, एक बार माइनस 0.5 आ जाएगा, और एक बार कितना आ जाएगा, जब पॉजिटिव 4 डालेंगे तो 1/positive 4 देगा 0.25। तो ये फोकल लेंथ किसकी हो जाएगी, माइनस से समझ में आ रहा है, कनकेव की, और नीचे वाली किसकी हो जाएगी, कन्वेक्स की। ओके आगे चलता हूँ मैं, ये आपने पॉज करके लिख लिया होगा। तो कह रहा है कि अच्छा इसमें तो यही पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ऑब्जेक्ट इज कैप्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है उसे 100 सेंटीमीटर पे कैप किया गया, फ्रॉम द ईच ऑफ द अबव लेंस, दोनों लेंसों में रखा गया है, कैलकुलेट कीजिए इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब यू दे दिया है आपको 100, आपसे पूछ रहा है वी कितना होगा, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, f आप यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, दोनों केसेस का, एक केस का तो आ रहा है 0.5 अभी जो मैंने बनाया, माइनस 0.5, और एक का आ रहा है, अच्छा ये भी माइनस, सॉरी ये माइनस प्लस मैं गलत कर गया हूँ, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये आप लोग क्लियर कर लेंगे, ये तो बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो आपका एक तो आएगा 0.5 पॉजिटिव, एक आएगा माइनस 0.25, ठीक है, तो वो दोनों रखेंगे आप, ये आपको पता है किसकी कनकेव की है और ये किसकी है, कन्वेक्स की है, तो अलग अलग कंडीशन पे रखेंगे, और V आपको निकालना है, U आपको पता है दोनों के लिए कितने वाला, 100। दूसरा कह रहा है मैग्नीफिकेशन इज 2 केसेस, दोनों केसेस की मैग्नीफिकेशन निकालिए, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू V बाई U, अगर आपके पास V और दोनों आ जाए, V और U, तो आप दोनों केस की मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं। देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन में, जो देखिए ये वही किया है, पॉजिटिव दिखाया है, पॉजिटिव 1/p कर दिया है, 0.5 आ गया है, 50 सेंटीमीटर के मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पर भी ऐसा ही था, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, क्यों सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि u आपका सेंटीमीटर में था, अब मेरा f भी सेंटीमीटर में आ गया है, इसे इस फॉर्मूले में डाल दिया है, तो इससे एक आपको, इससे एक v मिल गया है आपको, जो किसका है आपको मैं अभी बता चुका था, क्योंकि f पॉजिटिव है तो कन्वेक्स का v है। ओके ऐसे ही आपने आज फिर मैग्नीफिकेशन भी साथ के साथ निकाल दिया है, और दूसरे वाला इसका रिपीट है, सॉरी दूसरा वाला भी यहाँ दिखा दिया, एक मैग्नीफिकेशन ये, एक मैग्नीफिकेशन ये, एक वी यहाँ पर निकाल दिया है और एक वी यहाँ पर निकाल दिया, तो दोनों चीज़ें क्लियर है आप लोगों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2014 में पूछा गया था बच्चों, अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं, सारा कुछ समझ सकते हैं, तो आगे चलते हैं क्लास को लेकर। द इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर इज ऑब्टेन टू बी वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज, देखिए ऑब्जेक्ट जो आपको ट्रिक डायग्राम क्लियर है, ट्रिक डायग्राम से ये क्लियर है कि फोकस और पोल के बीच में ही एक ऐसी इमेज बनेगी जो वर्चुअल होती है, यहाँ वाली इमेज सिक्स वाली कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी, तो सिक्स वाली एक इमेज है जो पीछे बनती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, लार्ज, मुझे तुरंत समझ में आ गया क्योंकि मेरी रे डायग्राम की प्रैक्टिस हो चुकी थी। अब वो क्या पूछ रहा है, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजिशन क्या होगी, तो मैंने बता दिया फोकल और पोल के बीच में, बाकी सभी में रियल बनती है, इसलिए भी मैंने तुरंत यहाँ पर आ गया था, यही एक कंडीशन है कनकेव में जहाँ पर वर्चुअल बनती है, कन्वेक्स दोनों ही वर्चुअल बनाता है। तो जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई कर दीजिए आंसर, रे डायग्राम बना देना, कह देना इनलार्ज वगैरह की जो भी बनती है वो पोल के और सेंटर फोकस के बीच में ही बनती है, और डायग्राम बना देना। अब देखते हैं क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इनकम्प्लीट रे डायग्राम्स, ये इनकम्प्लीट रे डायग्राम्स है ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर द इमेज ऑफ ए बी इज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस है आपकी इमेज जो बन रही है इन दोनों के बीच में बन रही है, एफ और 2f के बीच में, तो आपको पता है कि f पे 1 आता है, 2 इनके बीच में आता है, और 2 कहाँ से आता है, एक इन्फिनिटी होती है 1, और यहाँ वाला एरिया इससे 2f से 1 से पीछे वाला एरिया आपका 2 होता है, जो 2 कहाँ बनता है, f और 2f2 के बीच में। तो आई होप आपको पोजिशन ऑफ द इमेज क्लियर हो चुकी है, ये ऑब्जेक्ट जो है 2f से पीछे रखा हुआ है, फिर वो क्या कह रहा है आपसे, पोजिशन ऑफ द इमेज बताइए और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बताइए, देन द
साइज ऑफ इमेज, तो रे डायग्राम आप बना देंगे, रे डायग्राम बना के आप साइज ऑफ इमेज भी बता देंगे कि ये ज़्यादा बड़ी रहेगी ये छोटी रहेगी। कैसे पता चला संजय सर? आपको वन और टू का मैंने बताया था ऑब्जेक्ट बड़ा रहेगा, थ्री पे इक्वल रहता है, मैग्नीफिकेशन से भी समझ में आता है अगर आपने मैग्नीफिकेशन पढ़ी हुई है ढंग से। फोर्थ और फाइव पे आपका इमेज बड़ी होती है और सिक्स्थ पे वर्चुअल होती है पर बड़ी होती है। तो इन कंडीशन से मुझे क्लियर था, आपको भी क्लियर होगा, फॉर्मूलेज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2f, 2f पे ऑब्जेक्ट रख दिया इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, व्हाट इज द पोजीशन साइज नेचर। मैंने ये भी अलग से स्पेशल वीडियो बना रखी है, सीधा क्वेश्चन पूछ दिया पोजीशन साइज 2f पे यहाँ पर है, ये पोजीशन देखेंगे आप 1। देखिए कभी मेरी जो ट्रिक है वो आप पेपर की शीट पे नहीं लिखोगे, ये बात याद रखना, दिमाग में होनी चाहिए 1, ये पोजीशन 2, ये 2f 3, तो 3 की कहाँ बनती है 2f पे नीचे, तो ये 2f1, ये 2f2, तो ये डायग्राम बना देंगे, पोजीशन बता देंगे कि पोजीशन ऑफ इमेज कौन सी होगी आपकी 2f2, साइज बता देंगे इक्वल, क्योंकि मैंने बता रखा था 3 एक कंडीशन है, कन्वेक्स हो, कन के मिरर हो या कन्वेक्स मिरर लेंस हो, तीनों की पोजीशन इक्वल होती, दोनों की इक्वल होती है। नेचर ऑफ इमेज, ये रियल इमेज की कंडीशन है, सारा कुछ आपको वीडियो अपलोड की हुई है, उसे देख लीजिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। कह रहा है ए स्टूडेंट हैव 3 कन के मिरर है उसके पास 3 ABC करके और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मतलब F1 दे रखा है, F2 दे रखा है, F3 दे रखा है। ओके जी, कोई नहीं। फॉर ईच कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर के हैं तो मतलब ये सभी F कैसे होंगे बच्चों, नेगेटिव होंगे, नेगेटिव 20, नेगेटिव 50, नेगेटिव 10, वो मुझे क्लियर हो गया। ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ द इमेज फॉर्म बाय 3 वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस इज 30, 10 और 20। मतलब पहले जब F1 कितना है आपका 20, माइनस 20 है, तो U कितना, माइनस 30, आपको V निकालने के लिए कह रहा होगा, तो फॉर्मूला आपके पास है ही, आपको पता है मिरर क्या फॉर्मूला होता है, 1/F = 1/V + 1/U। तो इस वाले फॉर्मूले में आपके पास F भी है और U भी है, आपको तीनों के इसका V निकलवाएगा, देख लेते हैं आगे। फॉर द 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आइडेंटिफाई द मिरर विच विल फॉर्म एन इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फाइंड एट लीस्ट 1 वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा है जिसकी जो डिस्टेंस मतलब सेम बनाएगा। तो देखिए बहुत अच्छा तरीका है, मैं बताता हूँ क्या होता है कि फोकल लेंथ एक बार 20 है, इसका ऑब्जेक्ट कितने पे है 30 पे, ठीक है। फोकल लेंथ के डबल पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो ये वाली कंडीशन मिल जाएगी। फोकल लेंथ का डबल कौन सा, देखो 20 का डबल कितना होगा 40 पे नहीं है 30 पे रखी है, तो ये वो कंडीशन नहीं है जिसे ये पूछ रहा है, ठीक है। ये कितना 50 का जो ऑब्जेक्ट है कितने पे 10 पे, तो ये वाली कंडीशन भी नहीं है। लास्ट वाली कंडीशन है 10 का 20 पे, मतलब मैं बता देता हूँ ये आपका डायग्राम हो गया, ये आपका F हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10। अब ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो 20 पे होगा, जैसे 20 पे अगर इसको देखोगे ये 2F भी है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, ये थर्ड पोजीशन भी है जिसमें इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज के होते हैं। तो यही पूछा है उसने, फॉर 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 3 अलग अलग के आइडेंटिफाई कीजिए विच विल फॉर्म इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये थर्ड कंडीशन है, हर चीज़ से मुझे क्लियर हो रही है। दोबारा से बता दूँ, 20 वाली 15 वाली क्यों नहीं ली मैंने, क्योंकि 20 वाली में जो F2 था वो बन ये वाली डिस्टेंस बैठनी चाहिए थी 40, जबकि ऑब्जेक्ट रख दिया 30 पे, मतलब बीच में रख दिया, C और F के बीच में था। और 15 वाले में ये डिस्टेंस थी 15 और यहाँ तक होनी चाहिए 30, और ये कितने पर रख दिया 10 पे, तो ये तो मतलब यहाँ पर रख दिया, F और P के बीच में रख दिया था। ओके, लास्ट वाली देखते हैं, 10 का 20, तो इसका मतलब ये 10 है तो ये 20 है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, तो ये आपको क्लियर हो गया। ऑब्टेन द 3 मिरर, 3 मिरर को लीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए मिरर विच वुड बी प्रिफर्ड टू यूज़ फॉर द सेविंग मिरर, सेविंग पर्पस, इनमें से कौन सा सेविंग पर्पस के लिए पोजीशन फिक्स होगी। देखिए इसमें तो इक्वल दिखाएगा, इक्वल साइज ऑफ इमेज, इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये तो अच्छा नहीं है। अब बात करता हूँ इस वाली की, इस वाली पे जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे की तरफ दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा, ठीक है। और इस वाली की बात करूँ 2F की, तो इस पे भी वो बड़ा दिखाएगा, तो आप कौन सी ले सकते हैं वो अभी देख लेते हैं। लास्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर द मिरर बी मतलब 15 सेंटीमीटर वाले के लिए, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ एनी 2 वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 2 वैल्यूज के साथ अपना काम कीजिए। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ का रे डायग्राम डाल दीजिए, सी और एफ के बीच में कौन सी पोजीशन आती है, थर्ड है, तो ये फोर्थ वाली आती है।
ये 1 2 3 4 आप नहीं लिखेंगे, ये आपको मैंने बताया था। तो फोर्थ वाली आपको पता है कहाँ बनेगी, 1 2 3 सी के पीछे। तो देख लेते हैं आप वन बाय वन आंसर को, यू एफ वगैरह को बता के बताया उसने 20 वाली कंडीशन को, फिर दूसरा उसने बताया कि 15 पे जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे सूटेबल है एफ जिसका 15 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है 10 पे रखा गया है तो इमेज बड़ी मिलेगी, रियल मिलेगी। अब थर्ड के लिए यू 30 वी यू 10 क्या क्या था वो, ठीक है चलो यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग मेरा बंद होने लगा है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट ही कर दूंगा जिस हिसाब से चल रहे हैं। डिफाइन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, ऑप्टिकल सेंटर डिफाइन कीजिए। तो ये आपका कन्वेक्स लेंस का है, ये कनकेव लेंस का है, ये आप डिफाइन कर देंगे। जो सेंटर पॉइंट होता है लेंस का वो कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर, मतलब दोनों एक लेंस होता है, लेंस में डॉटेड लाइन होती है, इसमें जो सेंटर पॉइंट होता है जिससे प्रिंसिपल एक्सिस पास होता है उसे आप ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट विद इन द लेंस एंड डायरेक्ट टू द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट विदाउट एनी डेविएशन, मतलब कह रहा है ये एक वो वाला पॉइंट है जिससे रे विदाउट डेविएशन के पार हो जाती है। वेदर द कन्वेक्स लेंस और द कनकेव लेंस रिप्रेजेंटेड बिलो, दोनों ही जैसे कि उसने नीचे दिखा दिया है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड की, ए डाइवर्जिंग लेंस हैज फोकल लेंथ, मतलब एफ दे दिया है, डाइवर्जिंग से मुझे क्लियर है ये डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है। आपको बताया ना डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, ये वाला डाइवर्जिंग जिसे क्या कहते हैं आप, कनकेव कहते हैं। तो कनकेव लेंस है, डाइवर्ज कर रहा है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, मतलब एफ जो होगा वो -20 होगा, क्यों, कनकेव। डाइवर्जिंग आ जाए लेंस में तो कनकेव, कन्वर्जिंग आ जाए लेंस में तो कन्वेक्स, और ऐसे ही मिरर में डाइवर्जिंग पे कन्वेक्स मिरर में और लेंस में ये कन्वर्जिंग पे रहता है, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट है प्रॉपर्टी, आपको देख सकते हैं। ओके अब आगे चलते हैं, एफ दे रखा है -20, यहाँ से आपको समझ में आ गया एफ दे रखा है -20। सो प्लेस द इमेज इज फॉर्म 10, यू दे रखा है आपको 10, सो द इमेज इज फॉर्म, सॉरी वी दे रखा है आपको 10, ओके, अवे फ्रॉम द लेंस, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज मतलब एच निकालिए, बहुत बढ़िया, क्या दोबारा से पढ़ दीजिए, फोकल लेंथ दे रखी 20, एट द डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट एच दे रहा, अच्छा इमेज की हाइट चाहिए, एच डैश चाहिए उसे, एच दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और यू नहीं दे रखा, वी दे रखा है 10, तो एफ दे रखा है, वी दे रखा है, लेंस फार्मूला आपको पता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/F = 1/V - 1/U, तो आपके पास एफ भी है वी भी है, रखना आपको आता है, कैलकुलेशन आप सीख जाएंगे सॉल्यूशन में, यू आपको चाहिए निकल जाएगा, जैसे यू निकल जाए तो आप मैग्नीफिकेशन फार्मूला लगा सकते हैं V/U, ठीक है, और एच डैश बाय एच, तो इसको हटा देंगे तो वी एच डैश बाय एच वी बाय यू के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से एच डैश भी निकल जाएगा। तो ये स्टेप्स है इसके। अब कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ड्रॉ कीजिए रे डायग्राम, तो वो आपको एफ क्लियर होगा, एफ तो -20 तो कन्वेक्स है, कन्वेक्स का सेकंड केस है, ये कौन सा केस है, सेकंड, कहीं भी रख दीजिए, ठीक है, बस याद रखना ये 20 है, यू देख लेता हूँ कितना है, ये वाला पार्ट आपको समझ में आ ही गया था। आगे देखते हैं, यू कितना है -20, तो मतलब ऑब्जेक्ट यहीं पर रखा हुआ है बेटा, ठीक है, एफ पे ही ऑब्जेक्ट रख दिया, क्यों, यहाँ से यू मुझे क्लियर हो गया, मैग्निफिकेशन निकाली और एच डैश निकाल दिया, और फिर मैंने ये रे डायग्राम बना दिया एफ के ऊपर ऑब्जेक्ट को खड़े करके, तो ये आपको क्लियर है, आपको ये पता था दूसरी इमेज कहाँ बनती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इनको लेकर। ओके ये आपने रे डायग्राम्स की ट्रिक देख रखी होगी, मेरी देख लीजिए, नहीं देख रखी तो जल्द से जल्द वीडियो अपलोड होगी। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, What should be the position of the object when concave mirror is to be used saving mirror? मतलब saving mirror अगर आप रखना चाहते हैं तो object की कौन सी position रखना चाहिए आपको, तो देखिए ये focus है, ये pole है, ठीक है, और ये आपका C है, तो ये आपकी fourth position suitable होती है saving के लिए। आप कह रहा है टॉर्च के लिए क्या होता है बच्चों, टॉर्च ऐसे होती है, बल्ब रखा होता है, बल्ब से रोशनी इधर जाती है और फिर दूर तक भेजनी होती है, तो ये बताइए कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसा कि काफ़ी बच्चे पहचान गए, फोकस ही हो सकता है, क्योंकि फोकस वाली लाइट वापसी भेजोगे तो इन्फिनिटी पे चली जाएंगे, तो ये भी क्लियर हो गया।
दोनों देख ले रहे हैं आंसर में, ऑब्जेक्ट शुड बी, ऑब्जेक्ट शुड बी। अब देख लेता हूँ, ए मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, मैन एक स्टैंड कर रहा है, फाइंड हिज इमेज हैविंग वेरी स्मॉल हेड, बहुत छोटा सा उसका सिर है और लेग्स आर नॉर्मल साइज, लेग नॉर्मल साइज की है। व्हाट शुड, व्हाट टाइप ऑफ मिरर आर यूज टू डिजाइन सच इमेज, तो देख लेते हैं। कह रहा है एक इंसान खड़ा है, ये खड़ा कर दिया मैंने इंसान, ये रहा मेरा मिरर। अब इसमें मिरर में दो पार्ट है, एक पार्ट में तो हेड दिख रहा है, एक पार्ट में लेग्स दिख रहे हैं, लेग नॉर्मल साइज के दिख रहे हैं, तो यहाँ नॉर्मल साइज के लिए आप प्लेन मिरर ले सकते हैं, ठीक है। हेड उसका छोटा दिख रहा है, बहुत छोटा, मतलब जैसे ये छोटा सा हेड आ गया उसका, और जो पैर हैं उसके मतलब जो थे वो दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये छोटा सा दिखने का मतलब है ये कौन सा लेंस होगा जो छोटी इमेज बनाता है, मिरर, छोटी मिरर बनाता है। और छोटी इमेज कौन बनाता है बच्चों, यूज़ ऑफ देख लेंगे आप कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ तक आप क्लियर हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2012 से स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, पेजेस को आप डाउनलोड कर लीजिए। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।